नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर लता अग्रवाल। आज हम बीए पार्ट वन के पेपर वन फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के विषय राजपूत पेंटिंग पार्ट टू के बारे में अध्ययन करेंगे। हम सबको ज्ञात है कि राजपूताना की संस्कृति मूलतः लोक कला में फली फूली। राजस्थानी चित्रकला का उद्भव और उत्कर्ष राजस्थानी लोक स्थल में ही हुआ। राजस्थान का कलात्मक विकास एक स्थान पर रुका नहीं, वरन वह सदैव गतिशील रहा। फलस्वरूप राजस्थान की कलाएं अधिक पुष्पित और पल्लवित होती गई। राजस्थान की संस्कृति, यहाँ की मुख्यतः भौगोलिक और सांस्कृतिक आधार से संबंधित रही है। 1916 में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में के अंतर्गत इसे दो भागों में विभक्त किया, मुगल शैली और राजपूत शैली। राजपूत राजाओं के संरक्षण में विकसित होने वाली कला को राजपूत शैली का नाम दिया गया। मुगल राजाश्रम में पनपने वाली कला को मुगल शैली कहा गया। राजस्थानी शैली का स्वरूप समकालीन मुगल चित्र शैली से पूर्णतया भिन्न प्रतीत होता है। राजपूत चित्रकला भौगोलिक दृष्टि से चार भागों में विभक्त की गई। मेवाड़, जिसमें उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़, शाहपुरा, चावन और गोगुंदा। मारवाड़, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, नागौर, सिरोही और जैसलमेर। हाड़ोती, बूंदी, कोटा, झालावाड़। ढूंढाड़, आमेर, जयपुर, शेखावटी और अलवर। डॉक्टर मोती चंद्र ने मेवाड़, किशनगढ़ और बूंदी की चित्रकला को उनकी शैलीगत विशेषताओं के कारण महत्व दिया है। राजस्थानी चित्रों की विशेषताएं में या इसमें रेखांकन कुशलतापूर्वक और सरल है, अभिव्यक्तिपूर्ण, गतिशील, आलंकारिक और भाव प्रधान है। प्रकृति का सजीव अंकन किया गया है। भक्तिपूर्ण चित्र काव्य आधारित है। रामायण, महाभारत, भागवत जैसे धर्म ग्रंथ से लेकर गीत गोविंद, रामानंद, कबीर, सूर, मीरा जैसे भक्तकालीन कवियों की काव्य कला को भी चित्रमय रूप में चित्रित किया गया है। वल्लभ संप्रदाय से प्रेरित पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय का राजस्थान में विशेष प्रभाव रहा। सभ्यता संस्कृति तत्कालीन परिस्थितियों का देश काल का जीवंत चित्रण किया गया है, जिसमें दुर्ग, प्रासाद, हवेलियां, दरबार, मंदिर में राजपूत वैभव बारीकी व सुंदरता से चित्रित किया गया। नारी सौंदर्य, नायिका को विभिन्न रूपों में दर्शाया गया है। चित्रों के माध्यम से रीतिकालीन कवियों की कल्पनाओं को साकार किया गया है। श्रृंगार रस में ऋतुओं के अनुरूप राग रागनियों तथा बारहमासा आदि चित्रों को महत्व दिया गया। राजा महाराजाओं, राजपुत्रों, सामंतों के संरक्षण में यह राज्य आश्रित कला पुष्पित पल्लवित होती गई, क्योंकि कलाकारों की जीविकोपार्जन के कारण उन्हें संरक्षण प्राप्त हुआ। आज हम मेवाड़ शैली के बारे में अध्ययन करते हैं। मेवाड़ मेव जाति के विकास तथा इस क्षेत्र में निवास करने के कारण यह क्षेत्र मेवाड़ कहा गया। यहाँ के महाराणा जगत सिंह, भीम सिंह, संग्राम सिंह, राणा कुंभा, राणा सांगा, राज सिंह आदि चित्रों से प्रभावित कला ने से प्रभावित राजाओं ने महाराणाओं ने कलाकारों को राजाश्रय दिया, जैसे साहबद्दीन, भैरू सिंह, नैनसो, कृपाराम, मनोहर, निसारद्दीन और देवगढ़ के चोखा व बख्ता उत्पादक रहे। इनकी विशेषताएं पुरुष का गठिला बदन, भरा हुआ चेहरा, विशाल नयन, खुले अधर, छोटी ग्रीवा, पगड़ी, स्त्री पात्रों में लंबी नाक, विशाल नयन,
छोटा कद, भारी चिबुक दर्शाई गई है। छपाईदार घाघरा, लुगड़ी, घेरदार जामा, कमर में पटका, पारदर्शी ओढ़नी के साथ आकर्षक पोशाक में चित्रांकित किए गए हैं। विषय अनुसार आलंकारिक शैली, वृक्ष के झुंड, पर्वत व चट्टानों में मुगल प्रभाव परिलक्षित होता है। पेड़ों की विभिन्न बनावट प्रकृति का सुंदर चित्रण चित्रांकित है। हाशियों को स्वाभाविक रूप से अंकित किया गया है। वीतरागसी तापस कन्या सदृश्य में उदयपुर शैली, गुर्जर प्रदेश की किंचित संस्कृति, जैन चित्रों का साधारण प्रभाव और भावों का अभिव्यंजन अति दीर्घकाय प्रस्तुत या चित्रांकित किया गया है। धन्यवाद।